गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम डिस्कस अ प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक ऑफ एलिमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्ट, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस, ओके, और एटॉमिक रेडियाई, ठीक है. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ओके स्टूडेंट, जनरली आप सभी लोग एटॉमिक रेडियस प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं. ओके, उसमें शॉर्ट कट तरीके से दिया रहता है, सिंपल एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं. ये आपका न्यूक्लियस है, ओके, और ये अराउंड द सेल है. अराउंड द सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है जनरली, है ना, वन न्यूक्लियस है इधर, तो वन न्यूक्लियस है, सॉरी वन एटम, तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसकी जो डिस्टेंस है इसको जनरली हम बोल सकते हैं ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है. बट अगर जैसे डी ब्रॉगली ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, ओके, अब इलेक्ट्रॉन इज अ वेव है, तो वेव है तो ऑलरेडी इसकी ये वेव है, तो ये देखिए, है ना, इसका मतलब ये जो आपकी जनरल टेंथ जो टेंथ तक आपको पढ़ाया जाता है एटॉमिक रेडियस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, ओके, अपॉन हाफ टू न्यूक्लियस के आधे भाग को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, है ना. जब जैसे ही पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव एटम बाउंड्री डिफाइंस, ठीक है, एटम बाउंड्रीज डिफाइन. अब एटम की बाउंड्रीज डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री क्या है, वेव है, तो इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है. जब वेव की बाउंड्री डिफाइन नहीं है तो ये क्या होगा, ये डेफिनेशन आपकी थोड़ा सा ओल्ड डेफिनेशन हो जाएगी, या शॉर्टकट तरीके से आप बोलेंगे कि डिस्टेंस हम एकदम कंफर्म नहीं कर सकते इसकी एटॉमिक रेडियस ये है, ठीक है. इसके बाद एक प्लेट आया जिसमें बताया गया टू न्यूक्लियस, ऑलरेडी जब दो न्यूक्लियस होते हैं, तो दो न्यूक्लियस जब किसी भी अट्रैक्शन से, ठीक है, जब पास पास आते हैं, तब मान लेते हैं ये हमारा टू न्यूक्लियस है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब ये टू न्यूक्लियस है, ये टू न्यूक्लियस सेम भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है. जनरली अधिकतर सेम में दिया गया, हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे. अगर ये सेम है, मान लेते हैं ये भी ये है और ये भी ये है, ठीक है. अब इसका ये न्यूक्लियस है, अब इसके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसके जो हाफ पार्ट होगा, है ना, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द पार्ट ऑफ हाफ, इट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस. ओके, ऑलरेडी ये मान लेते हैं डी ए, ये भी डी ए, तो अब डी ए डी ए जो है ऑलरेडी आपका, इसको हम ऐड कर लेंगे और इसके हाफ अपान टू कर लेंगे. जब अपान टू कर लेते हैं, ये हो जाता है एटॉमिक रेडियस. ओके, अब एटॉमिक रेडियस की बात आई, जिसको आप आर से भी डिनोट कर सकते हैं. एक डेफिनेशन आपकी ये हो गई कि टू न्यूक्लियस यानी दो न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस है, उसके आधे भाग को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है. तो जब एटॉमिक, जैसे इलेक्ट्रॉन का वेव हो गया और एटॉमिक बाउंड्रीज डिफाइंड हो गई, तो यहाँ पर एक बॉन्डेड स्टेट आ गई. क्या आ गई, बॉन्डेड स्टेट. अब ये सिमिलर है तो ऑलरेडी ठीक है, और डिसिमिलर है, एक की साइज क्या है, छोटी है, और दूसरी की साइज क्या है, बड़ी. चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा. जनरली आपसे अगर पूछता है व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, तो आप बता देंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस ऑफ द पार्ट हाफ, इट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस. बस बहुत से सिमिलर और डिसिमिलर एटम आए, उनको में प्रॉब्लम्स आए लगी, वंडर वॉल भी आया, तो उसमें कोई बॉन्डेड ही नहीं होता है, यानी बॉन्डेड नॉट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, विदाउट एनी बॉन्ड होता है वंडर वॉल में, इस तरह की कई सी प्रॉब्लम्स आने लगी. तो
एक नई थ्योरी आ गई, समझ लीजिए बाउंडेड स्टेट, जिसको हम बोलते हैं बाउंडेड स्टेट। अब बाउंडेड स्टेट में कई टाइप्स के आपके बॉन्ड आए, इसको हम बोल सकते हैं जनरली, आप लिख सकते हैं बाउंडेड स्टेट। ओके, अब बाउंडेड स्टेट से हम ये क्लियर कर देंगे कि किसकी कितनी एटॉमिक रेडियाई है, जिसको हम नंबर ए में पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, आपने पढ़ा ही होगा कोवैलेंट। ओके, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। नंबर टू, वंडरवाल, वंडरवाल रेडियस। नंबर थर्ड, मेटालिक रेडियस। चैप्टर रहेगा हमेशा, ओके। और लास्ट में आप भी पढ़ सकते हैं, एक और है उसको हम आयनिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, मेटालिक रेडियस, यस, ये आपका हो जाता है लास्ट में आयनिक रेडियस। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा कम लिखा करें, ओके। कोवैलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस, जनरली ऐसे भी लिख लिया करें, मैं बोल भी रहा हूं, मेटालिक रेडियस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, ओके। तो कोवैलेंट बॉन्ड आप जान ही रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जैसे ये कोवैलेंट। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट, ओके। कोवैलेंट रेडियस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद डेफिनेशन तो आपको मिल ही जाएगी। ए नंबर, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। कोवैलेंट जैसे बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट, अब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कैसे बनते हैं, सिमिलर एटम ना, सिमिलर एटम ऑलरेडी जब क्या होते हैं, ये सिमिलर एटम है और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन किए, तो यहां पर ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। सिमिलर एटम है, मान लीजिए ए है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, कोई भी है, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ठीक है। तो सिमिलर एटम ऑलरेडी मिल गए और आपस में जैसे ही बॉन्ड करते हैं, तो ये सिमिलर एटम और डिफरेंस भी हो सकते हैं, HF भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, जनरली इसका फॉर्म अलग हो जाएगा। तो अब ए है, तो यहां से ये इसका मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो आर आर बॉडी आपको बॉन्ड बना लिया, बट ये जो डिस्टेंस है आपकी, ओके, यहाँ की जो टू न्यूक्लियस के बीच की जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाई, बॉन्ड लेंथ। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे आगे चल के, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ होती है, क्या है, बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ डी है, डी एफ और डी एफ, अगर एफ दिया है एफ, ए दिया है ए, तो आप इसको फार्मूले से कर सकते हैं कि कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू, ये कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू डी एफ एफ, ये डी एफ एफ की डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस भी, डिस्टेंस बिटवीन एफ एफ अपॉन टू, ये हो जाएगा कोवैलेंट रेडियस। जल्दी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर एटम आपका क्या होगा, सेम होगा, तो सेम में आप सीधा क्या लिख देंगे, कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू डी, जो दिया रहेगा, बी बी दिया रहेगा तो बी बी, एफ एफ है तो एफ एफ, सी एल है तो सी एल, जैसा भी होगा ये ऑलरेडी आपको इससे ये हो जाएगा, ठीक है। बट अगर एटम डिफरेंस है तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होंगे और उसको हम थोड़ा सा अलग से देखेंगे। ये किसके लिए हो गया, सेम अगर आपका एटम है तो ऐसा कर देंगे, अगर डिफरेंस एटम है, ठीक है, एटम्स आर डिफरेंस है, ये सेम एटम के लिए हो गया, एटम्स आर डिफरेंस, ओके, एटम ऑफ डिफरेंस है तो उसकी क्राइटेरिया सेम अलग अलग होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होनी चाहिए, इसका पार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज सेम, अगर ये सेम है तभी ऑलरेडी बनाएगा, ये इसका करेक्टर हो गया, ठीक है। तो वहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा बी ए बी, अगर ए बी का मतलब, अब हम देखेंगे डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए क्या होगा, हमारा एक
एटम्स और दूसरा एटम, अभी दोनों एटम्स हो गए, ये एक ए हो गया और एक ये बी हो गया, एचसीएल हो गया, ए हो गया और बी हो गया, ए बी जैसे हो गया, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो है डिस्टेंस जब निकालेंगे, यानी ए बी का मतलब कोई भी छोटा होगा और कोई भी एक बड़ा भी हो सकता है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये क्या करेंगे, यहाँ का इसका एक फार्मूला अलग से कर देंगे, डी ए बी डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, रेडियस ए की प्लस रेडियस बी की, इसको हम ऐड कर देंगे, जब ये ऐड कर दोगे तो वहां पर ऑलरेडी आ जाएगा डिफरेंस का भी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर जो ए है वो बी से क्या है, ये ए, ओके, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है बिगेस्ट भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से ये आप देख सकते हो, इससे ये फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। बट कुछ कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिसका साइज बहुत लार्ज होता है, जब साइज लार्ज हो जाता है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होती है या इलेक्ट्रॉन जो शील्डेड हो जाते हैं वो उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो जाती है, जो बहुत ज्यादा दूर हो जाती है तो वहां पर एक नया फार्मूला आता है, यानी इस ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी थी, सेम, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी, ये ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, ये फार्मूला लगा देंगे आपका हो जाएगी, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट है ठीक है, डिफरेंट है तो इस फार्मूले से नहीं आएगा, उसके लिए एक अलग से फार्मूला आपको देना पड़ेगा। वो हो जाएगा डिस्टेंस ए बी, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, ध्यान रखिएगा यहां पर जो बनाना होगा आप बना दीजिएगा, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, अब ए बी का क्या है, यहां पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, डिफरेंस है, ओके, डिफरेंस है, तो यहां पर फार्मूला चेंज हो जाएगा, -0.9, देखिए इसको बहुत अच्छे से फार्मूला देख लीजिए, ये बहुत पूछा जाएगा, चाई ए माइनस चाई बी, उसको चाई बोलते हैं, चाई ए माइनस चाई बी, ये जनरली आपके सिलेबस में तो नहीं है बट क्वेश्चन बहुत इससे पूछता जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ये, यहां पर ये चाई ऐसे लिख सकते हैं, ये चाई है ऑलरेडी, ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, ये फार्मूला हो जाता है, इसको चाई सिंबल्स है, चाई डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अभी आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जैसे पढ़ेंगे तो उसका नंबर भी आ जाएगा, आप जान जाएंगे इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है, 2 है, 3 है, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है, ब्रोमीन है तो उससे कम है, ठीक है, क्लोरीन है तो उससे भी कम है, तो ऐसे करके ये इससे निकल आता है फॉर्मूले से। समझ में आ गया, कोवेलेंट रेडियस, जनरल ट्रेंड ये है आपका, जो फार्मूला हमने बता दिया था, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई अपॉन हाफ, तो वो ऑलरेडी आपका मेन है, ये बहुत रेयर केस में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब सेम होती है या एटम सेम होते हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, और जब डिफरेंस होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो आप निकाल लेंगे डिस्टेंस ए भी जो होगा वो निकल ही आएगा, एक जगह पर मान लो यहाँ पर क्या है, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर सोडियम है मान लेते हैं और यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ये सोडियम ब्रोमीन है तो उसको ऑलरेडी अलग अलग करके निकाल देंगे, ये वैल्यू पहले से दी जाएगी और ये किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। नंबर 20 में पढ़ते हैं वैन डेर वाल रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस, ओके, वैन डेर वाल रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस आर विदाउट एनी बॉन्ड, आप बोल सकते हैं ये क्या होता है, विदाउट एनी बॉन्ड, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता,
क्योंकि वंडर वॉल्स का जो अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्या है बहुत पास नहीं आ पाते, उतने ही पास रहते हैं, तो वहां से उसकी वो डिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। और जनरली बात इसमें क्या होता है, पहले तो विदाउट एनी बॉन्ड, और नंबर सेकंड जो इंपॉर्टेंट होते हैं ये एटम से नहीं बनता बेटा, मॉलिक्यूल से बनता है, ओके। इट इज ये मॉलिक्यूल से बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा उसके लिए क्या बनेगा वंडर वॉल, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो उसके जनरली कोई तो बिल्कुल कंफर्म है नहीं कि एटम पास में आ गया, तो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका सेंटर हम मान लेते हैं ये हो गया, अब ये मान लो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, दूसरा नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन गैस का, जितना हो सका वो पास आए बट बहुत पास नहीं आ सकते, ठीक है। तो वंडर वॉल्स का कोई बॉन्डेड नहीं होता कि यहाँ पर आया तो बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ये क्या हुआ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो जितना ये हो सका एक दूसरे कैसे पास आया, अब इनके दोनों का सेंटर देख लीजिए, ये सेंटर ये कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी हो सकते हैं, इनका ये जो क्या हो गया ये सेंटर हो गया, अब ये जो सेंटर है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का ये जो सेंटर है, तो ये सेंटर जो हो जाएगा ये आपका इसके आधे भाग जो हो जाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, यही हमारा हो जाता है वंडर वॉल रेडियस, ठीक है। तो जैसे ये कंपोनेंट्स हो गया तो हमने कह दिया कि रेडियस ऑफ वंडर वॉल्स इज इक्वल टू, अभी चाहे जितनी डिस्टेंस हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एन टू एन टू, अब टू है तो एन टू एन टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए मॉलिक्यूल्स है अपॉन टू, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी इसके हाफ पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये आपका क्या है वंडर वॉल रेडियस, ओके, समझ लीजिएगा जल्दी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये बहुत दूर दूर तक जनरली ये मॉलिक्यूल्स के तो लिए है ये, इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा किसमें है, आप नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कौन बनाते हैं, ज्यादातर आप ध्यान दीजिए कि नॉन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन होते हैं, नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनर्ट गैस, जैसे हीलियम हीलियम नियॉन नियॉन। तो अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी जगह पर क्या है, कोई भी इनर्ट गैस ले सकते हैं, जैसे आर्गन हमने ले लिया, ठीक है, अब आर्गन आपने ले लिया, ये आर्गन का मॉलिक्यूल्स हो गया और दूसरे एक आर्गन का मॉलिक्यूल्स और हो गया, अब कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। तो नॉन बॉन्डेड होते हैं क्योंकि इनर्ट गैस क्या होती है बॉन्ड नहीं बनाती है, तो इनर्ट गैस के एडवांटेज के लिए ये क्या हो जाएगा कुछ नहीं, अब इसको अगर यहाँ पर ये क्या है सेंटर है, तो सेंटर की ये डिस्टेंस हो जाएगी, अब अगर इसका फार्मूला निकालना होगा वंडर वॉल रेडियाई, तो वंडर वॉल रेडियाई कैसे निकालेंगे, आर ये रेडियस ऑफ द वंडर वॉल ऐसे लिख के अपना लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए आर डिस्टेंस ए आर अपॉन टू, ये जो डिस्टेंस आर्गन की होगी नियॉन की हो सकती है आर्गन की हो सकती है क्रिप्टॉन की हो सकती है, तो इनर्ट गैस की कोई भी हो सकती है, ठीक है, इनर्ट गैस की कोई भी यहाँ पर हो सकती है, इसकी हम वंडर वॉल रेडियाई, ठीक है। ये तो जनरल ट्रेंड हुआ, इसकी डिफिनीशन हुई, डिफिनीशन आप बना लेंगे इसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी नोट्स मैं भेज ही दूंगा आपको, ठीक है, सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कोवैलेंट और वंडर वॉल में डिफरेंस क्या है ये आप समझ गए होंगे, कोवैलेंट बॉन्डेड में होता है एटम में होता है, ठीक है, अब ये क्या होता है नॉन बॉन्डेड में होता है एंड मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स दो दो जहां पर जहां तक हो सकता है पास में आते हैं वहां का जो सेंटर हो जाता है उसके हाफ पार्ट को, ठीक है, इसको कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या नीट में या आईआईटी में जेएमएम में कहीं भी आता है तो सिंपल दो दे देता है, जैसे आपका दे दिया वंडर वॉल रेडियस बड़ा हो रहा है कि कोवैलेंट है ना, तो आप सोचेंगे परेशान हो जाएंगे कि बड़ा रेडियस है ना एटॉमिक रेडियस अगर दो दे दिया गया वंडर वॉल एटॉमिक रेडियस एंड कोवैलेंट एटॉमिक कोवैलेंट रेडियस, अब इसमें से आप बोल रहे स्मॉल कौन है बिग कौन है, तो आप जान रहे हैं कि जब दो बॉन्ड पास में आएंगे तो जनरली आप देखेंगे इनका जो रेडियस होगा ये क्या होगा कम होगा, और कोवैलेंट में क्या होता है जब तक बॉन्ड एक दूसरे के पास में नहीं आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जैसे आपकी हो जाएगी तभी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा,
अब जब ये देखिए आप, ये मान लीजिए हमारा क्या हुआ इनिशियल रेडियस है, ठीक है। तो अब ये ए और ये डिस्टेंस ए एंड बी, एंड दूसरा क्या बोल रहा है वंडर वॉल रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, बॉन्ड नॉन बॉन्डेड, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इसकी डिस्टेंस देख लीजिए। तो जनरली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होगा। तो रेडियस ऑफ वंडर वॉल, ओके सिंबल लगा देंगे आप, रेडियस है, रेडियस ऑफ कोवैलेंट, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत पूछेगा। अभी एक और है मेटैलिक, तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड करके आपको बता दूंगा, ठीक है। ये वंडर वॉल रेडियस है और ये रेडियस ऑफ कोवैलेंस है। कभी भी होगा तो वंडर वॉल रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा विद कोवैलेंट के अनुसार, ठीक है। कोवैलेंट हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा वंडर वॉल रेडियस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली दे देता है। अगर इसमें अगर एटम मॉलिक्यूल्स देता है तो सिंपल आप जान जाएंगे कि एटम एटम पर ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स, तो एटम की एटॉमिक रेडियाई और मॉलिक्यूल्स की रेडियाई इन दोनों में किसकी बड़ी होती है, तो आप बताएंगे मॉलिक्यूल्स की, बिकॉज वंडर वॉल रेडियाई आज इंक्रीज इंक्रीजिंग देन कोवैलेंट रेडियाई, ओके। और बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड पूछ लेगा तब भी आपको समझ में आ गया होगा, एटम्स की रेडियाई, मॉलिक्यूल्स की रेडियाई, बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड और वंडर वॉल एंड कोवैलेंट, ओके। नाउ थर्ड, मेटालिक रेडियस, बेटा नेम से ही पता चल रहा है मेटालिक रेडियस, तो मेटल मेटल का है ना, अब समझ गए होंगे आप। अब मेटल मेटल कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं, मेटल मेटल प्रिपेयर्ड करने के लिए आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे गोल्ड ले लिए, अब मान लीजिए गोल्ड की रॉड है, ये हमारी गोल्ड की रॉड है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मेटल मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें सो होती हो, अब मेटल कोई भी है, अब मेटल आप देखेंगे क्या कि मेटल में जो ये होता है, ठीक है, मेटल मेटल यानी बहुत सारे मेटल, ओके, ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बहुत सारे, अगर आयरन है तो आयरन के मान लेते हैं, ये हमारे गोल्ड के हो गए, सिल्वर के हो गए, किसी के हो गए, एयू के हैं तो बहुत पास पास है, और बहुत पास पास है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग जनरली बाद में जान जाओगे, 3D स्ट्रक्चर होता है मेटल का, मेटल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, अब वो यहाँ पर जो ऑलरेडी आपका न्यूक्लियस होगा सबका, ये न्यूक्लियस कैसे होगा, फ्री होगा, ठीक है, न्यूक्लियस कैसे होगा, फ्री होगा, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, अगर जनरली एक का उदाहरण देख लिया जाए, जैसे ये मान लेते हैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरा कितना ये पास में है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब भी इतना पास में है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सबका क्या है, न्यूक्लियस है, इसी तरह जनरली सभी के होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करे रहे, प्रोटेक्ट कर रहेंगे यानी शील्ड कर रहेंगे, जब यहाँ पर ये प्रोटेक्ट कर रहते हैं तो ये जनरली क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होगा मेटल मेटल का, ये भी आप अब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी सेम कंडीशन पर, देखिए बहुत पास पास होगी, तो ये आप बहुत आसानी से हम रेडियस निकाल सकते हैं कि मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू डी एम एम यानी डिस्टेंस बिटवीन मेटल मेटल, जो भी मेटल होगा, गोल्ड का होगा तो गोल्ड का होगा, जिसका भी होगा उसका हो जाए, ठीक है, यानी एटॉमिक रेडियस में जब मेटालिक रेडियस निकालते हैं वो डिस्टेंस बिटवीन, ओके, मेटल कोई भी हो सकता है, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका अलग निकाल सकते हैं, भाई सेम ही तो है, अगर आयरन की रॉड है तो आयरन 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 होगा, गोल्ड की रॉड है तो गोल्ड 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 गोल्ड, तो ये क्या है, एकदम सेम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिस्टेंस मेटल मेटल अपॉन टू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमेशा फ्री फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म में होते हैं तो क्या करेंगे, पैकेट एकदम पैकेट जैसे बनाए रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर,
इसीलिए एकदम पास पास ये हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं, तो इसकी डिस्टेंस हमको निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव हो या ऐसे पूछ लिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि वंडरवॉल रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई एंड मेटालिक रेडियाई, इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या किसी तरह का दे सकता है आपको। ठीक है, अब मेटालिक हमेशा मेटल मेटल में बनेगा, ठीक है, वो नोबल गैस में बनेगा, मॉलिक्यूल्स में बनेगा, वो किसी भी एटम्स में बन सकता है जो कोवैलेंट। अब तीनों आपको दे दिया, पहला आपने पढ़ा क्या कोवैलेंट रेडियस, ऐसे शॉर्टकट लिख दे रहा हूं कोवैलेंट रेडियस, दूसरा क्या लिख दिया आपने वंडरवॉल रेडियस, ओके, और थर्ड है आपने क्या लिख दिया यहां पर मेटालिक रेडियस, ओके। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख चुके हैं कि वंडरवॉल तो फर्स्ट पर जाएगा क्योंकि इसकी रेडियस क्या होगी बहुत ज्यादा होगी, तो यहां पर जो हो जाएगा वो रेडियस ऑफ वंडरवॉल सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मेटल वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मान लीजिएगा रेडियस ऑफ मेटालिक, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका कोवैलेंट रेडियस। इसको आप थोड़ा सा बस दर्द कर लीजिएगा, यही पूछा जाता है। हम वैल्यूएशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको आयनिक रेडियस बताएंगे क्योंकि आयनिक रेडियाई और आयनिक रेडियस में कैसे डिफरेंस है दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो ट्रेड मैंने बता दिया ये तो है ही है आपका, और इसका जो वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस है ये पढ़ना है, अप टू डाउन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये सब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि आप में जो पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टी वो यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, पीरियोडिसिटी एक प्रॉपर्टी है, वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, तो वेरिएशन आपको पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, वेरिएशन टू टाइप्स का होगा, एक होगा ए नंबर लेफ्ट टू राइट, यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने में क्या होगा, है ना, और दूसरा क्या होगा बेटा बी नंबर टॉप टू बॉटम, और क्या हो सकता, ठीक है, ये टॉप टू बॉटम हो जाएगा कि आपका टॉप टू बॉटम में क्या फर्क पड़ रहा है, तो दो वेरिएशन है इसके, एक आपका क्या है लेफ्ट से राइट यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने में क्या वेरिएशन होगा एटॉमिक रेडियस का, और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने, ठीक है, जैसे कोई भी लीजिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये क्या हो गया टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट कोई भी एक लग सकते हैं हाइड्रोजन से हीलियम ले लीजिए, ठीक है, तो जनरली क्या होगा ये दो ट्रेंड्स हो गए। तो अगर इसको बहुत अच्छे से समझाया जाए तो इतना ज्यादा तो फिलहाल टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट में कोई भी ले सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम ले सकते हैं या लिथियम से हम ले सकते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, नियान अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, या नियान भी ले लीजिए उसी का है तो ले लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए ये डिपेंड्स किस में करना है, एटॉमिक नंबर तो आपको मालूम है इसका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8 9 10, ये करने की जरूरत, ये तो जनरल सबको मालूम है, बट यहां पर जो ये सेल्स सब सेल्स की बात होती है, ये 2 1 होता है, ये 2 2 होता है, ये 2 3 हो जाता है, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सेल इसकी दो सब क्या है सेम है, 2-2 सेल है, KL, 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 तो नंबर ऑफ सेल अगर सेम है आपका, नंबर ऑफ सेल सेम है तो इससे वेरिएशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर आप काउंट कर रहे हैं तो सब में क्या है लेफ्ट टू राइट में सेम है, तो इसमें एक इफेक्ट होता है जिसको हम जेड इफेक्ट बोलते हैं या न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट या जेड इफेक्ट बोलते हैं, ये न्यूक्लियर चार्ज किस पे इफेक्ट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ये आपके डिफल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अब प्रोटॉन्स में कैसे आप ध्यान से देखिए, अब प्रोटॉन्स आपको समझ में आ जाएगा,
मान लेते कहीं तो उठा लेते हैं, मान लीजिए इसको हम उठाते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में, 3। कहीं से भी उठाए यहाँ पर देखते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6। कहीं से भी यहाँ भी उठा लिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी का भी ले सकते हैं, मैं एक दो का बीच में बता दिया हूँ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ओके। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज होगी, ओके ठीक है। तो जब लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, जनरली न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज यानी एनसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए ना, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट में। तो इफ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज सो एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीजिंग का ऑर्डर है। ये ध्यान से देख लीजिए, आ जाएगा आपका कि लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज या जेट इफेक्ट या डाउन आपका, ठीक है, ये दोनों आप अच्छे से जान जाएंगे। समझ में आ गया होगा सबको, आपको बाद में इसमें स्पेक्ट्रम है, कल मैं बताऊंगा उसको स्पेक्ट्रम कैसे होता है, ठीक है। तो जहां पर आप ये लिखे हो नंबर 1 में लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, या अलोंग अ पीरियड इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड में आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, बी नंबर हो जाएगा कि एटॉमिक रेडियस आर डिक्रीज, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियाई, सॉरी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम पढ़ लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, टाइम ऑलरेडी फिर अप हो जाएगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम, अब टॉप टू बॉटम में आप देखेंगे कोई भी फैक्ट देख सकते हैं, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब देखिए तो जर्नल एकदम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगर इसका देखेंगे तो 1, इसका देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 1, इसका देखेंगे 2 8 1, और इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 8 8 1, ओके। तो नंबर ऑफ सेल आल्सो इंक्रीज हो रही, यहाँ पर सेल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियाई इज आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, सो ये नंबर ऑफ सेल देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल ऑलरेडी टॉप टू बॉटम जाने में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, सो एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीज, यहां पर ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीज, ओके स्टूडेंट्स। ये जनरली ट्रेंड्स भी है कि लेफ्ट टू राइट में अगर डिक्रीज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम में हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके बहुत सिंपल तरीका है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो इसके एक्सेप्शन है, अब ये टाइम हमारा अप हो रहा है, कल बहुत अच्छे से इसका एक्सेप्शन और आयनिक रेडियाई आप पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेंगे, बाकी तो एकदम सिंपल है, इसकी डिफिनेशन वगैरह जो है उसको मैं नोट्स में पीडीएफ में बना के भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक दिन हम क्लास रखेंगे, जो बच्चे बोल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में फोन करके भी आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, वो किसी भी टाइम के लिए आपको मैसेज कर देंगे, हम आपस में कर लेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।